तीर्थंकर परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। जय हो। हम सभी पर्युषण पर्व साधना के लिए अग्रसर हैं। कुछ लोग आज से ही पर्युषण पर्व का प्रारंभ मान रहे हैं तो कुछ लोग कल से। खैर, किसी भी दिन से माने, हाँ हम सभी उत्साहित ज़रूर हैं कि हम इस महापर्व पर्युषण साधना से स्वयं का हित कर पाएँ। और ये हित साधने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है, है ना। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उनके पूरे मेनू सज गए हैं कि इन 8 दिनों में हमें क्या क्या बनाना है। पूरी दिनचर्या सज गई है, सुबह इतने बजे हमें प्रवचन सुनने जाना है, इतने बजे जो लोग देरावासी हैं उनको और किसी कार्यक्रम में जाना है, आज फलां सूत्र का वाचन होगा, इतने बजे फलां सूत्र का वाचन होगा, ये प्रतियोगिताएँ होगी, शाम को प्रतिक्रमण में बैठना है, तब हमें कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, कितने बजे जाना है, सारी तैयारियां हो चुकी। और हमने मान लिया कि इन 8 दिनों में ये जो जो भी हम क्रियाएं करने वाले हैं, इन क्रियाओं से हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। और फिर बोलचाल की भाषा में संवत्सरी के दिन जो हम बोलते हैं कि भाई पुराना खाता खत्म हो जाएगा और नया खाता शुरू हो जाएगा। लेकिन जरा इन सब में, इन सारी तैयारियों के बीच हम देखें तो हम जितना आम और साधारण दिनों में हम स्वयं के साथ रह पाते हैं, शायद इन दिनों में तो हमें उतना भी भान नहीं रहता, उतना भी होश नहीं रहता। छोटे छोटे बच्चों को हम प्रेरणा देकर तपस्या करवा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो ये तपस्या क्यों कर रहे हैं। उन्हें बस इतना पता है कि इतने बजे से इतने बजे तक उन्हें, या तो अगर वो तिविहार उपवास कर रहे हैं तो इतने बजे से इतने बजे तक पानी पी सकते हैं, या उसके बाद पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, उन्हें मात्र इतना पता है। और तब हम बोलेंगे अरे कितने धर्मात्मा हैं, हम न जाने किन किन क्रियाओं में उलझ जाएंगे। लेकिन इन सब में जो इस पर्व का, इस महापर्व का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल लक्ष्य है, उससे हम फिर वंचित रह जाएंगे। हर बार यही होता है, हर बार हम पर्युषण से पहले खुद को तैयार करते हैं और फिर देखा जाए तो हम फिर खाली हाथ रह जाते हैं। यहाँ तक कि संवत्सरी के दिन जो कहा जाता है कि हम वर्ष भर का प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसके लिए एक साथ अगर एक साधक नहीं बैठ पाता है सायंकालीन प्रतिक्रमण में सबके साथ, तो दिन भर में जो आलोचना की जाती है, जो दिन में आलोचना की जाती है वर्ष भर के मन वचन काया द्वारा किए गए योगों की, वो भी आलोचना हम मात्र पाठ रटन द्वारा पूरी कर लेते हैं, स्वयं को देखने जानने का अवसर ही नहीं। तब फिर प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो हम अपने सो कॉल्ड प्रश्न सामने रखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, हम खुद को कैसे जानें, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की निर्जरा कैसे होगी। अरे भैया पूर्व जन्म तो छोड़ो, क्या इस जन्म के जो हमने कर्म किए हैं हमने उसका प्रतिक्रमण कर लिया? जवाब किसी के पास नहीं होता। कारण कि वो जो बोला जा रहा है, सत्य बात तो ये है कि अगर व्यक्ति को अकेले में बिठाकर पूछा जाए कि जो बोला जा रहा है क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, मुट्ठी भर लोग होंगे जो वाकई सही अर्थों में प्रतिक्रमण कर पाते हैं, तपस्या द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा कर पाते हैं। लेकिन बाकी तो वही हम जो कहते हैं ना, रूढ़िगत परंपरा से चले आ रहे हैं। और सभी को यही लग रहा है, कितनी अधिक संख्या में लोग आए, स्थानक में पांव रखने की जगह नहीं रही, उपाश्रय में इतने सारे लोग आए, और हम मान लेते हैं कि ये पर्युषण महापर्व सफल हुआ। बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े जो चौक पांडाल लग रहे हैं उनसे हमने मान लिया कि पर्युषण सफल हुआ, ये चौमासा सफल हुआ। ज़रा देखें आप
एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, राइट? उस बच्चे के लिए जो स्कूल का एडमिशन प्रोसेस है वो सब कुछ आपने कर लिया, इंटरव्यू कर लिया, एंड देन उसकी स्कूल ड्रेस खरीद ली, उसके पूरी बुक्स खरीद ली, आपने उसको कवर चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, और आपने उसे समय पर स्कूल बस में स्कूल भेजा। वो बच्चा क्लास में भी जा रहा है, लेकिन जैसे ही जो लेसन शुरू होता है तब वो सो जाता है। हर बार जैसे ही पढ़ाई शुरू होती है वो सो जाता है, और वर्ष के अंत में जब बात आती है रिपोर्ट की, रिजल्ट की, तब फिर वो प्रश्न करते हैं, अरे क्या हुआ, ये तो फिर फेल हो गया। चलो कम से कम उस बच्चे को ये तो पता है और उसके पेरेंट्स को ये तो पता है कि वो फेल हो गया है, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि हम फेल हो गए हैं। हम हर साल वही कार्य करते हैं, स्कूल ड्रेस खरीदते हैं और जो अपने पसंद की स्कूल है उसमें एडमिशन लेते हैं। फिर लगता है 4-5 साल हो गए ये जो स्कूल है इसमें तो कुछ नया हुआ नहीं, फिर कोई नया एडवर्टाइजमेंट आता है, वो नए नए दावे करता है, वो नई नई बातें कहता है, ऐसी बातें जो आज से पहले हमने कभी नहीं सुनी, और हम फिर इस स्कूल से निकल कर उस स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। फिर हम वहाँ जाते हैं, फिर हम वही क्रिया दोहराते हैं, और नतीजा एंड में रिपोर्ट नील बट्टे सन्नाटा, और तब हम कहते हैं पता नहीं ये तो 5वां आ रहा है, शायद गड़बड़ी है हमारे अंतराय कर में, कारण कि हमें थ्योरी पूरी पता है, लेकिन वाकई में पूछा जाए जब एग्जाम की बारी आती है तब हमें कुछ भी नहीं पता होता। देखा जाए तो धर्म के क्षेत्र में भी हम यही तो कर रहे हैं, हमने पाठ रट लिए और सही किया, पाठ ज़रूरी है, वो पाठ निर्देश है, उसमें गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं, लेकिन उन गूढ़ अर्थों को जानने की हमारे पास फुर्सत ही नहीं, कारण कि हम अर्थ के नाम पर उसका अनुवाद पढ़ रहे हैं, हम सही अर्थों में उसे अपने जीवन में लागू करके देखना ही नहीं चाहते। अरे भैया लागू करोगे, कहते हैं ना कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा उसे वापरोगे तभी तो पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट आपके लिए कितना उपयोगी है। हो सकता है आपके लिए भक्ति मार्ग उपयोगी है, आप भक्तामर की साधना कीजिए, हो सकता है आपके लिए तपस्या का मार्ग उपयोगी है, योग्य गुरु के पास जाकर आपके लिए उचित तपस्या का जो विधान है वो जानिए और वो तपस्या कीजिए, केवल बाह्य तप नहीं अंतर का तप भी। लेकिन ये सब चीज़ों का परेशानी ये हो रही है कि हमें सिर्फ थ्योरीज रटा दी गई है, और हम हर साल स्वाध्याय के नाम पर एक सूत्र के सारे पाठ पढ़ लेते हैं, उनके अनुवाद जान लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं, और अगर किसी को याद नहीं होता है तो वो और गिल्ट में चला जाता है कि अरे कैसे कर्मों का, मेरे ज्ञानावरणीय कर्मों का अंतराय है कि मैं तो ये पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो याद ही नहीं होते, और उसके आसपास का समाज भी, गुरु भगवंत भी उसे कहीं ना कहीं गिल्ट में डालते हैं, तुम्हें याद ही नहीं होता, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, अब तुम्हारा कैसे भवसागर से नैया पार लगेगी, और हम इन सारी चीज़ों में पूरी तरह से उलझते चले जाते हैं। चाहें तो इस बार हम थोड़ा सा कुछ स्वयं को बदल कर देख सकते हैं। पहले तो हम ये जाने तो सही कि धर्म है क्या। हर बार हम अर्थ सुनते हैं कि जो वस्तु का स्वभाव है, जो आत्मा का स्वभाव है, वही धर्म है, और हम स्वभाव गति ये सारे शब्द सुनते हैं लेकिन उसे जान नहीं पाते। धर्म का सबसे सिंपलेस्ट अगर हम परिभाषा जानना चाहे, जो आत्मा की स्वभाव गति है, जो आपको आनंद देती है, वो है धर्म। और अगर वो आपको तनाव देती है, आपके उस स्वभाव गति में, उस स्वाभाविक आनंद में बाधा उत्पन्न करती है, आपको विपरीत रास्ते पर ले जाती है, भीतर भय उत्पन्न करती है, तो वो है अधर्म। तो अब ज़रा खुद को हम चेक तो इतना तो कर ही सकते हैं ना कि भाई जो हम ये क्रियाएं कर रहे हैं वो करके हमें आनंद प्राप्त होता है या टेंशन आती है। अरे सामायिक में अभी 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट ज़्यादा हो गए, अरे लेट हो जाएगा, प्रतिक्रमण कब खत्म होगा, अभी मुझे घर जाकर ये करना है, प्रतिक्रमण के लिए जल्दी पहुँचना है, तपस्या की तो ये टेंशन की कहीं मुझे एसिडिटी ना हो जाए, कहीं मुझे बुखार ना आ जाए, मेरे गले में कांटे ना पड़ जाए, न जाने कितना कुछ तनाव। तो
अगर ये तनाव दे रहा है आपको धर्म, अगर ये प्रवचन श्रवण करने के बाद आपके शरीर में कहीं कोई दर्द उत्पन्न हो रहा है, आप थक रहे हैं, तो जान लें कि कहीं ना कहीं हमारे इस सिस्टम में प्रॉब्लम है। हमारे इस सिस्टम को हमें ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी बाधा उत्पन्न कर रहा है आपकी उस स्वभाव गति में, आपके उस आनंद में, जो कहीं आपको तनाव दे रहा है, तो जान लीजिए वो अधर्म है। अब फिर प्रश्न उठता है कि तो फिर हम करें क्या? तो ज़रा छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान दें कि हम जो इतनी कुछ जानकारी ले रहे हैं, उस जानकारी का आपके मूल प्रयोजन से क्या प्रयोजन है। ये जो कुछ हम इतनी जानकारी ले रहे हैं, चाहे धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में, फला जो ध्यान पद्धति है उसमें ऐसे होता है, उस ध्यान पद्धति में ऐसे किया जाता है, उस संप्रदाय में ऐसे होता है, उस संप्रदाय में ये होता है, ये इतना सब कुछ जानने का प्रयोजन क्या, क्या आना जाना उससे? तो जो अनावश्यक है, जो आपके लिए अयोग्य है, उस पर चिंतन ही मत करो, उसकी चर्चा ही क्यों करनी। आजकल हम चारों तरफ देखते हैं, लोग ऐसे वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे हैं फलां साधु का, जो वहां का मैनेजमेंट है या जो संघ है उसके साथ कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, लोग साधु को पकड़ रहे हैं, अरे ये देखो ये साधु के नाम पर पाखंड कर रहा है। इन सब बातों से हमारी आत्मा के मूल लक्ष्य का, हमारी आत्मा के मूल स्वभाव का क्या प्रयोजन है? और अगर जिस चीज़ से आपके प्रयोजन को प्रयोजन नहीं, तो उसकी जानकारी हम क्यों इकट्ठा करें? लेकिन सभी कोई एक झंडा लेकर हम चल पड़ते हैं कि अरे ये है सही धर्म, ये है सही रास्ता, ये सही समाचारी। समाचारी और सिद्धांत, ये सब देश काल पात्र भाव के साथ बदलते रहते हैं। धर्म शाश्वत है, उस शाश्वतता को हम पहचाने, और वो मात्र इतना ही है कि आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो हमारा धर्म है। और जो कोई, एक बहुत सामान्य परिभाषा, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके भीतर तनाव उत्पन्न करती है, उस आनंद में बाधा उत्पन्न करती है, तो ज़रा हम रुकें, चेक करें खुद को, क्यों तनाव हो रहा है, ये बाधा कहाँ से आ रही है, और उससे विरमण करें। यही तो विरमण है, और विरमण का तरीका मात्र इतना है कि जो आपके इस मूल प्रयोजन के लिए, इस मूल स्वभाव के लिए अयोग्य है, उस पर चिंतन बंद कर दें, उस पर चर्चा बंद कर दें। अब ज़रा देखें हम कितनी अनावश्यक चर्चा करते हैं। देखा फलां कितना आडंबर हो रहा है, अभी देखिए जगह जगह पर जब भी चातुर्मास शुरू होते हैं उससे पहले व्हाट्सएप पर इतने लंबे लंबे मैसेजेस आते हैं कि आजकल धर्म के नाम पर इतना आडंबर हो रहा है, ये जो वरगोड़े निकल रहे हैं, इतने बड़े पांडाल सज रहे हैं, इससे क्या आना जाना, इससे क्या होगा, कोई सिद्धि तप कर रहा है तो उससे पहले उसकी मेहंदी हो रही है, दीक्षा से पहले प्री दीक्षा शूट हो रहे हैं, इन सब का क्या मतलब है, ये नहीं होना चाहिए, आडंबरों का हमें विरोध करना चाहिए। एक बात बताएं, उस विरोध करने से क्या होगा? विराट गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि कर सको तो किसी का सहयोग करो, विरोध का अवसर आए तो बच कर निकल लो। आपको अगर वो आडंबर का पार्ट नहीं बनना है तो सिंपल आप मत बनिए उसका हिस्सा, बैठ जाइए घर पर, किसी और को जाकर बताने का क्या तात्पर्य, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। और जो अयोग्य है उस पर चिंतन चर्चा करने से बेहतर है कि हम उस पर वो चर्चा, वो चिंतन, वो ध्यान देना ही बंद कर दें। एक सिंपल सा स्टेप कि जो हमारी इस आत्मगति में सहायक नहीं है, सहयोगी नहीं है, हमारे इस आनंद में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तनाव उत्पन्न कर रहा है, आज से और अभी से मैं उस पर मौन साधता हूँ। कम से कम 8 दिन, इन आने वाले 8 दिनों में हम ये प्रयोग तो करके देख सकते हैं, और फिर जैसे जैसे हमारा ध्यान उस अयोग्य से हटता चला जाएगा, उस पर चिंतन चर्चा या ध्यान देना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, हमें समझ में आएगा कि यही तो वीरमण है। हमें जो बार बार कहा गया कि आप प्राणातिपात से वीरमित हो जाओ, आप
अदत्तादान से विरमित हो जाओ, आप मृषावाद से विरमित हो जाओ, मैथुन से विरमित हो जाओ, तो जिन जिन चीज़ों से हमें विरमण करना है, हमें वहाँ वहाँ अपना ध्यान देना बंद करना है। मात्र इतना करने से भीतर एक स्पेस खाली होता चला जाएगा और तब जो हमारे लिए योग्य है हम उस पर ध्यान दे पाएंगे, हम अपने स्वभाव गति में रमण कर पाएंगे और यही सही अर्थों में धर्म ध्यान में रहना हुआ। और जैसे जैसे हम इस धर्म ध्यान में संलग्न होते चले जाएंगे, हमारी जो मूल लक्ष्य है उसकी तरफ हमारी यात्रा प्रारंभ हो पाएगी। तो आज के दिन हम एक छोटा सा प्रयोग करें और ये अगले 8 दिनों तक कम से कम चालू रखें और फिर धीरे धीरे आप चाहें तो अपने इसे पूरे जीवन भर में इसको लागू कर सकते हैं कि जो भी मेरे लिए उचित व जानने योग्य नहीं है, मेरे मूल प्रयोजन में वो कहीं पर भी सहयोगी नहीं है, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, मैं उन जो अनावश्यक जानकारियां हैं, अयोग्य जानकारियां हैं, ना तो उसे अपने सिस्टम में सेव करूंगा, ना उसे अपने मन में सेव करूंगा, मेरे लिए जो उचित व उपयोगी है वही मेरे लिए मेरी आत्मगति में सहायक है। और जैसे जैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे जीवन हल्का होता चला जाएगा। हम ध्यान दें, ज्ञान कभी भी भय उत्पन्न नहीं करता, लेकिन जब हम मूढ़ता से रूढ़ता से जानते हैं या सो कॉल्ड मानते हैं, जिसे हम जानना कहते हैं लेकिन हकीकत में हम वो मानते हैं, तो जब हम रूढ़ता से या मूढ़ता से किसी भी चीज़ को मानते या नकारते हैं, वो सारा ही कुछ अधर्म ही है। लेकिन हम वाकई प्रयोग करके ये जान पाएं, तब हमारे भीतर अपना जो स्वभाव स्वरूप है वो खिलना प्रारंभ होगा और धीरे धीरे ये यात्रा उस चरम लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। और ज्ञान कभी भी संकुचित नहीं करता, ज्ञान कभी भी भय पैदा नहीं करता। हाँ, जानकारियाँ भय पैदा करती है, सिद्धांत भय पैदा करते हैं और सिद्धांतों की पकड़ हमें कहीं ना कहीं संकुचित बनाती है। जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति अपरिग्रह को साधने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, परिग्रह को दबाएगा और जितना दबाएगा किसी एक दिन किसी अन्य रूप में वो फूट कर सामने आएगा। इसलिए बेहतर है कि हम जानें, जैन दर्शन कभी भी किसी चीज़ को दबाने की बात नहीं करता, वो मात्र ज्ञाता दृष्टा होने को कहता है। वो ये कहता है कि आप अपने अनावश्यक अकरणीय को जानो और जितना जानते जाओगे उसे जानकर फिर विसर्जित करो। मात्र मान लिया कि हमारा सब कुछ अनावश्यक अकरणीय विसर्जित हो गया और हम पाप मुक्त हो गए, ये फिर एक मिथ्या धारणा को ओढ़ने जैसा है और ये सारी धारणाएं हमारे मस्तिष्क पर बोझ ही डालेगी। तो इस बार हम स्वयं को जानने की यात्रा पर कदम बढ़ाएं। लेकिन हाँ, फिर एक बार एक और टकोर कि ये हम कह रहे हैं या आसपास साधु भगवंत कह रहे हैं, गुरु भगवंत कह रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स कह रहे हैं कि अपने जीवन के उद्देश्य को जानो, अपने लाइफ के पर्पस को जानो, स्वयं को जानो, खुद को जानना ही असली अध्यात्म है, इसलिए मत जानना, वरना वो फिर एक और विभाव गति में लेकर जाएगा। जानना क्यों है कि हम क्या जानना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या अटक रहा है जो हमें स्वभाव गति में हमारे उस आनंद अवस्था से रोक रहा है। तो जब हमारे भीतर प्रश्न उठेगा तभी हम उत्तर पाने के लिए लालायित होंगे, तभी हम उत्तर पाने के लिए वो पूरी तरह से कहते हैं ना, तड़प जाएंगे कि नहीं, हमें ये जवाब चाहिए ही चाहिए, मैं अब कॉन्ट्राडिक्टरी
कुछ नहीं होने दूंगा, जो कुछ है मेरे आसपास, जो कुछ है, सारे ही चीज़ें, सारी ही दृष्टियाँ, मैं किसी एक दृष्टि पर अटकूंगा नहीं, मैं किसी एक दृष्टि को पकड़ूंगा नहीं, जो कुछ है मैं संपूर्णता में जानना चाहता हूँ, समग्रता में जानना चाहता हूँ। और तभी हम जान पाएंगे कि यही तो दर्शन का मूल है। दर्शन समग्र है, वहाँ सारी दृष्टियाँ एक साथ है, यानी अनेकांत है। और यही प्रभु महावीर की वाणी है कि अनेकांत दर्शन को जानो। लेकिन हम हर बार एक नए पचड़े में फंस जाते हैं। अभी देखिए ना, जैसे ही ये पर्युषण शुरू हुए, उसके कुछ दिनों पहले से तथाकथित कुछ धार्मिक लोग जो जैन दर्शन की हीलना के प्रति चिंतित है, वो चालू हो गए। चारों धर्म को एक होना चाहिए, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, सभी को एक जगह पर आना चाहिए, सभी को एक ही पर्युषण मनाने चाहिए, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये चर्चा सब चालू हो गए। और अगर हम उनसे पूछें, भैया जहाँ जाकर बैठ रहे हो वहीं से जो ग्रहण करने योग्य है वो ग्रहण कर लो, लेकिन हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और यही कारण है कि हमारा युवा वर्ग दूर होता जा रहा है, क्योंकि उसे लॉजिकल और रैशनल उत्तर ही नहीं मिल रहे हैं। वो स्वयं कंफ्यूज है कि हम करें क्या। आप कह रहे हो कि ऐसे ऐसे चावल डालो, ऐसे ऐसे फूल डालो, आपके कर्म नष्ट हो जाएंगे। उन्हें लॉजिक नहीं समझ में आता। तो कम से कम आप स्वयं जानने का प्रयास करें, उन्हें भी बताएं। हम आपका सहयोग करने के लिए जितना हमारा अनुभव है हमेशा तैयार है। चरम मंगल आने वाले समय में ऐसे कार्यशालाएं, ऐसे वर्कशॉप्स आयोजित कर रहा है जिसमें आपकी इस यात्रा को गति मिलेगी, आप स्वयं को जानने की यात्रा पर आगे चल पाएंगे। बेसिक्स यानी फंडामेंटल्स जो एक जैन दर्शन के हैं और जो जानने योग्य हैं, उस पर चर्चा होगी। और चर्चाओं में मानने की बात नहीं है, हम मात्र अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। आप भी प्रयोग करके देख लें, जीवन में परिवर्तन अनुभव होता है तो आगे बढ़ें, और नहीं होता है तो समझ लें ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, लेकिन एक बार प्रयास ज़रूर करें। आप सभी को स्वभाव धर्म उपलब्ध हो, सभी के लिए यही मंगल कामना। ओम शांति।